अब एक नई खबर आपको बता रहे हैं और ये खबर अपने मायने में हैरान करने वाली है। कोरोना टेस्ट को लेकर ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की नई एडवाइजरी आई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले हर किसी को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाले बुजुर्ग ही टेस्ट कराएं। कुमार कुंदन हमारे साथ है। कुमार कुंदन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, खाली बुजुर्ग ही टेस्ट कराएं, सीधे तौर पर देखा जाएगा तो इससे तो रियल पिक्चर कभी दिखेगी नहीं। ऊपर से इसके रैमिफिकेशंस ये होंगे कि अगर कोई कोरोना परिवार किसी के संपर्क में आता है, कोई व्यक्ति कोरोना ग्रसित होता है और परिवार संपर्क में आता है, तो पूरा परिवार ही आइसोलेशन में चला जाए। निश्चित रूप से देखिए निशांत, ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं सरकार उससे परेशान है, और सरकार इसलिए एसिम्प्टोमेटिक ऐसे लोग जो स्वस्थ हैं उनको कह रहे हैं कि आप संपर्क में आने के बावजूद भी अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है तो आप अपना टेस्ट मत करवाइए। टेस्ट वही लोग कराएं जो कि बुजुर्ग हैं या फिर कोमोर्बिडिटीज के शिकार हैं। तो सरकार एक तरीके से टेस्टिंग को अगर आप डिस्करेज कर रहे हैं तो ये एक निश्चित रूप से कोरोना इससे और ज्यादा फैलने की संभावना है, न कि कम होने की संभावना है। एग्जैक्टली कुमार कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। अगर लोगों को, अगर कोई कोरोना ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में कोई और आता है, वो टेस्ट नहीं कराता है और खुले में घूमता रहता है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं होती है, तो फिर सीधे तौर पर आप समझ लीजिए हल्का सा भी एसिम्प्टोमेटिक होने के बाद भी वो कितने लोगों को कोरोना फैला सकता है। और इसकी क्या गारंटी है कि एक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट दूसरे व्यक्ति को अगर कोरोना प्रभावित कर रहा है तो वो भी एसिम्प्टोमेटिक रहेगा। ये उसकी पर्सनल इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि वो कोरोना की ग्रेविटी कितनी झेल पाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।